रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शानू हाथों में कुरकुरे का पैकेट लिए हुए अपनी दोस्त समीरा के घर जाती है और उसके घर की डोरबेल बजाती है। समीरा दरवाजा खोलकर बोलती है, ओहो, घर तक आने का सबर नहीं हो रहा था क्या? रास्ते में ही पैकेट खोल के कुरकुरे खाना चालू कर दिया तूने। तुझे पता है ना मुझे कुरकुरे खाना कितना पसंद है, पैकेट देखकर रुका नहीं गया तो बस रास्ते में ही खाने लगी। आजा, अंदर आजा मोटी, अगर तेरे इन कुरकुरे के भरोसे रहती ना तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाता। अच्छा हुआ जो मैंने पहले ही पॉपकॉर्न बना लिए थे। चल, मूवी शुरू होने वाली है, 12 बज गए। चल चल, तू मेरे कमरे में चल, मैं पॉपकॉर्न लेकर आई। समीरा की बात सुनकर शानू समीरा के कमरे में जाती है और वहाँ जाकर टीवी ऑन करती है। तभी समीरा भी हाथों में पॉपकॉर्न लेकर आती है, जिसके बाद दोनों सहेलियां मिलकर द कश्मीर फाइल्स देखने लगती हैं और मूवी देखकर शानू इमोशनल हो जाती है। तभी कुरकुरे वाले हाथों को पोंछने के बाद वो जोर से चिल्लाती है, आ मर गई मेरी आंखें, हाय हाय पानी पानी। ओए ओए क्या हो गया? मैंने कुरकुरे वाले हाथ आंखों में लगा लिए, जलन हो रही है। वॉश बेसिन तक ले चल मुझे जल्दी, आई मेरी आंखें। तू भी ना, उठ जल्दी। शानू का हाथ पकड़कर समीरा उसे वॉश बेसिन तक ले जाती है, जहां शानू अपनी आंखों में ठंडा पानी मारकर बोलती है, ओ यार मेरी तो जान ही निकल गई थी, इतनी ज्यादा जलन हो रही थी ना। चुप कर, तेरे कुरकुरे की वजह से पूरी मूवी का मजा बेकार हो गया। पहले खाती है फिर इधर उधर हाथ लगाती है। यार मैं क्या करूं, मूवी इतनी ज्यादा इमोशनल थी कि मैं भूल ही गई कि मैं कुरकुरे खा रही हूँ, सॉरी। समझ नहीं आता मुझे शानू, तुझे इसे खाने में मजा क्या आता है? यार कुरकुरे कितने क्रिस्पी होते हैं और फिर उनके ऊपर जो मसाला होता है ना, वाह, उनका तो स्वाद ही मत पूछ तू। सच में यार खा के देखना। बस तेरे कुरकुरे तुझे ही मुबारक हो। चल अब या बच्ची कुछ मूवी भी निकालनी है। समीरा की बात सुनकर शानू और वो दोनों दोबारा से मूवी का मजा लेने लगती हैं। तभी मूवी खत्म होने के बाद शानू वहाँ से चली जाती है और अपना कुरकुरे का पैकेट वहीं छोड़ जाती है, जिसमें कुछ कुरकुरे बाकी थे। समीरा उस पैकेट में से कुछ कुरकुरे निकाल कर खा के बोलती है, आज पहली बार खाया है मैंने, स्वाद तो बढ़िया है इस कुरकुरे का। अब समझ में आया शानू हमेशा इसे चपड़ चपड़ खाते क्यों रहती है। अरे वाह, इसमें तो फ्लेवर भी है काफी सारे, लेमन, चटपटा मसाला, टेंगी टमाटो। परिवार काफी बड़ा है कुरकुरे का, सही है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक शाम समीरा की माँ मोना उसके लिए चाय लेकर आती है। तभी समीरा कहती है, माँ क्या है, खाली चाय लेकर आई हो? अरे बेटा खाली कहाँ है, भरा हुआ है एकदम कप, दूध और पत्ती भी लाकर बनाई है। माँ मतलब साथ में खाने को कुछ नहीं लाई? लाई हूँ बेटा कुरकुरे, रुक रसोई में ही भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर मोना रसोई में जाती है और कुरकुरे का पैकेट उठा कर लाती है। समीरा फटाफट से पैकेट खोल कर कुरकुरे खाने लगती है और कहती है, माँ आपको पता है पहले मुझे ये कुरकुरे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, फिर एक बार मैंने शानू के बचे हुए पैकेट में से खा लिए, तब से तो मेरे जुबान को मानो इसका स्वाद ही लग गया है। माँ मुझे इसके ना सारे फ्लेवर ट्राई करने हैं, मंगवा दो ना। हाँ हाँ बेटा अभी मंगवा देती हूँ तेरे भाई से। इतना कहकर मोना अपने बेटे बंटी को बुलाती है और उसे पैसे देकर दुकान पर कुरकुरे लाने भेज देती है। कुछ ही देर में बंटी कुरकुरे के पैकेट लेकर घर आता है और उसे देखकर समीरा बोलती है, वाह मेरा भाई ले आया तो सारे कुरकुरे, इसी बात पे मैं तुझे चवन्नी इनाम में दूंगी। अपनी चवन्नी अपने बच्चों को देना दीदी, मुझे कुरकुरे दो हर पैकेट में से। अरे अरे भाई जज्बाती नहीं होते, देती हूँ। जल्दी से, और भी काम है, वेला नहीं हूँ तुम्हारी तरह। समीरा कुरकुरे के सभी पैकेट में से थोड़े थोड़े कुरकुरे निकाल कर बंटी को दे देती है, जिसके बाद वो बैठकर आराम से सारे फ्लेवर्स के कुरकुरे खाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, समीरा को कुरकुरे खाने की लत लग जाती है और वो अक्सर ही खाना छोड़कर कुरकुरे खा खा कर ही अपना पेट भर लिया करती। ऐसे ही एक शाम को वो कुरकुरे खा रही होती है, तभी वो अपने आप से कहती है, मैं क्या करूं,
मेरी ये कुरकुरे खाने की लत तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे इसे कम करना होगा, पर जितना मैं इसे छोड़ने की कोशिश करती हूँ उतना ही ज्यादा मेरा इसे खाने का मन करता है। करूँ तो क्या करूँ। समीरा ऐसे ही खुद से बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ पर मोना आकर कहती है, समीरा बेटा क्या हुआ, ऐसे अकेले क्यों बड़बड़ा रही है? माँ मैं सोच रही थी जैसे मोमोज, चिली पटाटो, चिप्स, नमकीन सब कुछ घर पे बना सकते हैं, तो कुरकुरे नहीं बना सकते क्या? माँ मैं कब तक ऐसे पैकेट वाले कुरकुरे खाती रहूँगी? ऐसे तो खा खा के मैं बीमार हो जाऊँगी। बात तो बेटा तू सही कह रही है, चल मिलकर कुरकुरे बनाते हैं। सच्ची माँ चलो चलो। इतना कहकर समीरा और मोना दोनों रसोई में जाती है और समीरा जल्दी से YouTube पर घर पर कुरकुरे बनाने की रेसिपी के बारे में सर्च करती है। दोनों माँ बेटी काफी वीडियोस देखती हैं और आइडिया जमा करती हैं, जिसके बाद वो चावल, मक्का, गेहूं, बाजरा आदि चीजों का आटा मिक्स करती हैं और उसके कुरकुरे बनाती हैं। साथ ही समीरा भी कुरकुरे पर स्प्रिंकल करने के लिए मसाला रेडी करती है। कुरकुरे रेडी होने के बाद समीरा उस पर मसाला छिड़क देती है और टेस्ट करती है। हाँ माँ बहुत मस्त बने हैं सच में, आप भी खा कर देखो। वाह सच में ये तो अच्छा बना है, हमारी मेहनत रंग लाई बेटा। हाँ माँ अब मैं शानू को कहूँगी कि वो पैकेट वाले कुरकुरे खाने बंद कर दे, अब मैं उसे अपने हाथों के बने कुरकुरे खिलाऊंगी। समीरा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर बंटी अपने कुछ दोस्तों के साथ आता है। समीरा उन सभी को अपने हाथों से बने कुरकुरे खिलाती है। बंटी के सभी दोस्त समीरा की खूब तारीफ करते हैं। तभी बंटी बोलता है, दीदी मैं क्या कह रहा था, तुम और माँ मिलकर एक शॉप खोल लो ना अपनी, होममेड कुरकुरे की। अरे बेटा कैसी बातें कर रहा है, अपनी बहन की शादी नहीं करनी क्या तूने, हमेशा कुरकुरे ही थोड़ी बेचेगी यहाँ। माँ तो क्या हुआ, बंटी सही कह रहा है, अगर दुकान सही चल गई तो मेरी शादी के बाद आप दोनों संभाल लेना, मैं ससुराल जाके नई दुकान खोल लूंगी। ये बात भी है। बंटी चल अपनी पलटन को लेकर लग जा काम पे, तेरी दीदी दुकान खोलेगी अब। ऐसे ही काफी दिन की कड़ी मेहनत के बाद समीरा की होममेड कुरकुरे की दुकान खुल जाती है। धीरे धीरे उसके कुरकुरे काफी फेमस होने लगते हैं, जिसके बाद उसे कई बड़े ऑर्डर भी मिलने लगते हैं और इस तरह समीरा के कुरकुरे मॉम्स कुरकुरे के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद एक अच्छा लड़का देखकर मोना समीरा की शादी करवा देती है। समीरा के ससुराल वाले भी उसके बिजनेस में उसका पूरा साथ देते हैं। दीपा अपने बेटे यश की शादी करके प्रिया को अपने घर बहू बना के लाती है, पर दीपा की छोटी बेटी निधि रिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसे ही एक रात के 2 बजे निधि लेट नाइट पार्टी करके घर चुपचाप आ रही होती है, पर रिया उसको ऐसे सबकी नजरों से बचकर घर में आता देख लेती है और उसके पास जाकर उसे बोलती है, निधि तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? भाभी मैं कहीं भी आऊं या जाऊं, आपको इससे क्या, आखिर आप होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? अरे मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा पूरा हक बनता है तुमसे सवाल करने का। ओह रियली, पर मैं आपको कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। इतना बोलकर निधि वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में आकर सो जाती है। अगले दिन रिया ये सारी बातें यश को बताती है, पर निधि अपनी भाभी की सारी बातें सुन लेती है और गुस्से में वहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। तो वहीं यश रिया से बोलता है, तुम टेंशन मत लो, मैं निधि से इस बारे में बात करूँगा। ओके अच्छा अभी मैं ऑफिस जाता हूँ, हम रात को बात करेंगे। इतना बोलकर यश ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को रिया भी दीपा के साथ मार्केट चली जाती है और यश के आते ही निधि मौके का फायदा उठाकर अपने भाई के गले लग जाती है। रोते हुए बोलती है, भैया भाभी आपके लिए और हमारे घर के लिए सही नहीं है, वो एक नंबर की धोखेबाज है, उन्होंने हम सबको धोखा दिया है। पर हुआ क्या और तू रो क्यों रही है? भैया हम सबको भाभी का सच बताता कि शादी से पहले उनका एक आशिक था, पर फिर भी हमने भाभी को इस घर की बहू बनाया, पर उन्होंने हम सबको धोखा दिया।
वो अब भी अपने पुराने आशिक से ही प्यार करती हैं। और घर में जो भी चोरियां हुई वो भाभी ने ही की थी भैया। मैं नहीं मानता कि रिया ऐसा कुछ कर सकती है। मुझे पता था कि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, इसलिए कल रात को बिना किसी को बताए मैं घर से बाहर गई और मैंने भाभी के खिलाफ कुछ सबूत जमा किए, जिसे देखकर आपको मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। इतना बोलकर वो यश को रिया की कुछ फोटोज दिखाती है, जिसमें रिया किसी और लड़के के साथ होती है। उसके बाद निधि यश को उसके कमरे में ले जाकर रिया का बैग दिखाती है, जिसमें घर के कुछ पैसे और जेवर रखे होते हैं। ये सब देखकर यश का रिया पर से भरोसा उठ जाता है। कुछ ही देर में रिया और दीपा घर आती है। रिया के घर आते ही यश उससे बोलता है, अंदर आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। यश, क्या हुआ जो तू ऐसी बातें कर रहा है? माँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, एक धोखेबाज के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। ये बोलकर यश अपनी माँ को सारी बात बताता है जो निधि ने उससे बोला होता है। ये सच सुनकर दीपा रिया से बोलती है, अरे डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, पर तूने तो हमें ही धोखा दे दिया, निकल जा मेरे घर से। पर मैंने आप सबको कोई धोखा नहीं दिया, प्लीज मेरा यकीन करो, ये झूठ बोल रही है। मैंने क्या झूठ बोला, मैं तो बस आपका सच सबके सामने लाई हूँ, एक धोखेबाज बहू का सच। रिया रोते हुए खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करती है, पर कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता। और निधि अपनी भाभी को एक धोखेबाज बहू बनाकर घर से बाहर करवाने में सफल हो जाती है। रिया के घर से जाते ही निधि अपने लिए कॉफी बनाकर अपने रूम में पीती हुई बोलती है, बड़ी आई थी मुझे ज्ञान देने वाली, मुझे ऋत्विक से दूर करना चाहती थी, मैंने ही उन्हें भैया से दूर कर दिया। निधि ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसके पास ऋत्विक का कॉल आता है और ऋत्विक उससे बोलता है, मेरी और रिया की जो तुमने फोटो ली थी, क्या किया उसका, कुछ काम हुआ भी या नहीं? काम हो चुका है, अब वो ना तुम्हारी एक्स है और ना ही मेरी भाभी, अब वो बस एक धोखेबाज बहू है। गुड, अच्छा ये बताओ हम मिल कब रहे हैं? बहुत ही जल्द। इतना बोलकर वो फोन रख देती है और कुछ दिन बाद ऋत्विक से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां दोनों बैठकर अपनी खुशी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी रिया वहां आकर निधि से बोलती है, निधि मेरी बात समझो, तुम जिस इंसान पर इतना भरोसा कर रही हो ना, वो बस तुम्हें धोखा देगा, मैं उसके साथ रह चुकी हूँ, मुझे पता है वो कैसा है, मैं तुमसे अब भी कह रही हूँ दूर हो जाओ उससे। तुम ऋत्विक के लायक ही नहीं हो, और मुझे मत बताओ कि ऋत्विक क्या है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि किस तरह तुमने ऋत्विक को धोखा दिया। जब तुम्हें मेरे भैया मिले तो तुमने सोचा कि अब इसके साथ क्यों रहना, जब इतने बड़े घर का रिश्ता आया है, और तुमने ऋत्विक का साथ छोड़ मेरे भैया से शादी कर ली। ये सब क्या बोल रही हो तुम? वही जो सच है, तुम एक धोखेबाज बहू हो जिसने शादी से पहले ही हम सबको धोखा दिया। ये बोलकर निधि ऋत्विक के साथ वहाँ से चली जाती है, और एक दिन रिया ऋत्विक को कॉल कर उसे मिलने के लिए बुलाती है। दोनों बाहर मिलते हैं, जहाँ रिया उसको थप्पड़ मारकर उससे बोलती है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम अपने अलावा कभी किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते, तुम मेरी भोली भाली ननंद को बस बेवकूफ बना रहे हो, जैसे मुझे बनाया था। यार तुम तो बहुत तेज हो, पर अफसोस तुम्हारी ननंद उतनी ही बेवकूफ है, मेरे कहने पर ही उसने तुम्हें एक धोखेबाज बहू बना दिया, अब देखना बहुत जल्द मेरे बोलने पर वो अपने घर वालों को धोखा देगी। ऋत्विक रिया से बात कर ही रहा होता है, तभी निधि वहाँ आती है और उसको एक थप्पड़ मारकर उससे बोलती है, इतना बड़ा धोखा, अच्छा हुआ भाभी अपने समय रहते ही मेरी आंखें खोल दी। निधि तुम यहाँ? मैंने बुलाया था निधि को यहाँ ताकि वो अपनी आंखों से तुम्हारा सच देख सके। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, पर मैं आपसे वादा करती हूँ मैं सब ठीक करूँगी, मैं अभी घर जाकर सबको सारा सच बता दूंगी। इतना बोल वो ऋत्विक को वहीं अकेला छोड़कर अपनी भाभी के साथ घर आ जाती है, और रिया को देखकर दीपा गुस्से में उसके पास आकर बोलती है, अरे फिर तू यहाँ आ गई, अब क्या चाहिए तुझे, हमें धोखा देकर तेरा मन नहीं भरा क्या? माँ शांत हो जाओ, भाभी को यहाँ मैं लेकर आई हूँ। निधि अपनी माँ का गुस्सा शांत कर ही रही होती है कि तभी यश भी घर वापस आता है।
और रिया को देखकर उसको घर से निकालने लगता है। तभी निधि सबको रोककर अपने घर वालों को सारा सच बता देती है। ग्रेस एक पार्टी के दौरान अपने चार दोस्तों अमाया, सैम, क्रिस्टल और जैक के साथ बैठी ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलती है। सभी गोला बनाकर साथ में बैठते हैं। बीच में एक बोतल को घुमाया जाता है। ऐसे ही बोतल घूमती है और ग्रेस की टर्न आती है, जिस पर उसकी दोस्त अमाया पूछती है, सो टेल मी बेबी, व्हाट वुड यू लाइक टू चूज, ट्रूथ एंड डेयर? और हाँ, जो भी चूज करेगी सोच समझ के करियो, क्योंकि हम डेयर अच्छे से सोच के बैठे हैं। ओके, सो आई वांट टू चूज ट्रूथ। वेट वेट वेट, ग्रेस से क्वेश्चन मैं पूछूंगा। तो बताइए मिस ग्रेस, आपकी जिंदगी में क्या फैंटेसीज है? ओके, तो मेरी फैंटेसी है किस करने की, मतलब ऐसी किस करना जिसमें पैशन हो, जुनून हो। किस करते टाइम मुझे और उसे ये होश ना रहे कि हम कहाँ हैं, बस पैशन के साथ एक दूसरे में समा जाएं। ग्रेस की फैंटेसी सुनने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन जैक अपने सवालों को जारी रखते हुए बोलता है, अच्छा तो तेरी ये फैंटेसी अब तक पूरी नहीं हुई क्या? तेरे इतने बॉयफ्रेंड रह चुकी हैं, किसी में वो बात नहीं थी क्या? नहीं यार, अभी तक मैंने 5 बॉयफ्रेंड को किस किया है, लेकिन वो पैशन मुझे किसी में नहीं दिखा। मुझे सच में एक ऐसे लड़के की तलाश है जिसमें रोमांस और किस करने का पैशन भरा पड़ा हो। वो हो, तू तो गजब है यार। अब ऐसा कर कि एक एड छपवा दे कि तुझे सुंदर और सुशील लड़के की आवश्यकता है जिसमें किस करने का पैशन हो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो इंसान मुझे जल्द ही मिलेगा, और शायद वो मेरे आसपास ही हो, मे भी मुझे आज ही मिल जाए। वैसे अगर तुमको जल्दी है तो मुझे ट्राई कर सकती हो। ओ जस्ट शट अप, किस करने के लिए अच्छा खासा लड़का चाहिए, तुझ जैसे चूहे को मैं जिंदगी में किस ना करूं। ओ हेलो, अभी शर्ट खोल के निकलूं ना तो 5-10 लड़कियां तो ऐसे ही बेहोश हो जाएंगी मेरे सिक्स पैक एब्स देखकर। हो गया तेरा, अब बस कर, वैसे भी मुझे अब जाना है, कल मिलते हैं गाइस। ओ हेलो, गेम ओवर नहीं हुई है मैडम? सॉरी बेब्स, पर मॉम घर पर अकेली है और मेरे आने तक वो कुछ खाएंगी नहीं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। इतना बोलकर ग्रेस पार्टी से निकलते हुए सैम के गालों पर एक किस कर जाती है। ये देखकर उसके दोस्त तालियां बजाने लगते हैं। रात होने की वजह से ग्रेस को कोई टैक्सी नहीं मिलती, जिसके कारण उसको पैदल ही अपने घर जाना पड़ता है। तभी रास्ते में उसे डेविड नाम का एक लड़का मिलता है। अपनी कार को वो ग्रेस के सामने रोकते हुए बोलता है, हे मिस, आप अकेली जा रही हैं, क्या मैं आपको छोड़ दूं? थैंक्स बट नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। ग्रेस उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है। तभी डेविड कार से उतरकर उसके पास आकर बोलता है, हे आई नो आप मुझे कोई छिछोरा या अवारा लड़का समझ रही होंगी, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ, और भगवान कहते हैं कि किसी खूबसूरत लड़की को ऐसे रास्ते में देखकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओहो, कौन से भगवान ने बोला ऐसा? वो डेविड भगवान ने। ओह, तो अपना नाम भी बड़े अच्छे अंदाज में बता दिया, इंटरेस्टिंग। सीरियसली तुमको पसंद आया? वाओ यार, पर आज तक मेरी इन हरकतों पर मुझे गालियां ही पड़ी हैं। हाँ, क्योंकि रात में ऐसे एक अकेली लड़की को देखकर अपनी फ्लर्टिंग लाइन यूज करके उसे इम्प्रेस करना इंटरेस्टिंग ही तो है। अच्छा, तो मुझे और मेरी गाड़ी को एक मौका दो ताकि हम तुमको घर छोड़ सकें, क्योंकि इतनी रात में आपको कुछ और तो मिलेगा नहीं, ना गाड़ी और ना ही मेरे जैसा शरीफ लड़का। डेविड ग्रेस को अपनी कार में बिठाता है, फिर दोनों उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। कार में ग्रेस को निहारते हुए डेविड बोलता है, आप इतनी खूबसूरत कैसे हो, इसका कोई राज है? अगर बताना चाहो तो बता सकती हो। आप लाइन मारना बंद नहीं करोगे ना? अच्छा ठीक है, बंद कर देता हूँ, पर मेरे पास आपके लिए कुछ है, देखिए आपकी सीट के आगे कुछ रखा है। ग्रेस कार में बैठी अपनी सीट के सामने देखती है तो वहाँ उसको कुछ किसमी कैंडीज दिखती है। वो उनको हाथ में लेते हुए बोलती है, किसमी? ग्रेस के इतना बोलते ही डेविड उसके गालों पर किस कर देता है। ये देखकर वो हैरानी से पूछती है, ये क्या था? आपने ही बोला था किसमी, सो मैंने बस आपकी बात मानी। अच्छा जी, पर आपकी किस में वो बात नहीं थी। अभी अच्छे से करी ही कहाँ है, रुको करके दिखाता हूँ। इतना कहते ही डेविड ग्रेस के होठों पर पूरे पैशन के साथ किस करता है।
दोनों एक दूसरे में समाते हुए एक दूसरे को किस करने में बिजी हो जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद में ग्रेस खुद को रोकते हुए बोलती है, बस बस अब मार ही डालोगे क्या? बस मैडम, इतने में ही थक गई। आपकी फैंटेसी तो बहुत बड़ी थी। तुम्हें कैसे पता लगा मेरी फैंटेसी के बारे में? जब तुम अपने दोस्तों के साथ वो स्टूपिड सी गेम खेल रही थी, मैं भी उस पार्टी में मौजूद था। इसका मतलब तुमने ये सब प्लान किया था? हाउ मीन। एक मिनट, मैंने कुछ प्लान नहीं किया। तुम जब से पार्टी में आई थी, मेरी निगाहें तुमसे हट ही नहीं रही थी। फिर तुम्हारी फैंटेसी के बारे में सुना तो पता लगा शायद जिस लड़के का इंतजार तुम्हें है, क्या पता वो मैं हूँ, इसलिए मैं आ गया तुमसे बात करने। मुझे घर छोड़ो अभी के अभी। ठीक है, फिर मुझे जवाब जरूर देना। और एक बात बताऊँ? क्या? तुम्हारे 5 बॉयफ्रेंड तुमसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए तुम किसी के साथ खुश नहीं थी। लेकिन मैं तुमको सच में बहुत पसंद करता हूँ, और शायद इस थोड़े से समय में मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्रिस का घर आ जाता है और डेविड को वो बिना जवाब दिए ही अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन घर जाकर भी उसके ख्यालों में खोई रहती है और उसके साथ की हुई अपनी किस को याद करते हुए बोलती है, आज तक किसी की किस में मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, और अगर मेरी फैंटेसी को पूरा करने वाला मुझे मिल गया है तो मैं उसको जाने क्यों दे रही हूँ, आखिर मुझे भी तो ऐसे इंसान की तलाश थी। ग्रेस खुद से बातें कर रही होती है तभी उसकी माँ गरिमा उसके कमरे में आती है और उसको ऐसे परेशान देखकर बोलती है, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों है? परेशान नहीं हूँ माँ, थोड़ी कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बेटा, जब कुछ समझ ना आए कि क्या करना है तब हमेशा हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। क्या? पर हमारा दिल तो हमें गलत सलाह नहीं दे सकता। बेटा, इस उम्र में हर फैसला सही हो ये जरूरी तो नहीं होता। अब तक तुमने कई फैसले दिमाग से सोच कर लिए होंगे, एक बार दिल की सुनकर देखो। वैसे मुझे जो चाहिए अगर मैंने आपको बताया तो मेरी लंका ही लग जाएगी। क्या हुआ, कुछ और भी पूछना है क्या, या अब भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं नहीं माँ, सब कुछ ठीक है। अब आपने मेरी कंफ्यूजन का सलूशन निकाल दिया। आई लव यू सो मच मॉम, आप बहुत अच्छी हो। अपनी माँ की बात सुनने के बाद ग्रेस अपनी फीलिंग्स को लेकर थोड़ी क्लियर हो जाती है और वो अगले दिन डेविड को एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है, जहाँ पर उसके आने के बाद वो उसे बोलती है, अच्छा डेविड, अगर मैंने तुम्हें मौका दिया तो प्रॉमिस करो तुम मेरा दिल कभी नहीं तोड़ोगी। ग्रेस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, और न ही ऐसी सिचुएशन आने दूंगा कि तुमको मेरे अलावा किसी और के पास जाना पड़े। अच्छा जी, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मेरे पहले 5 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। वो तुम्हारा पास्ट था, लेकिन मैं तुम्हारा प्रेजेंट बनना चाहता हूँ, तो बताओ मंजूर है मेरा प्रपोजल? हाँ मंजूर है। ग्रेस के हाँ करने पर डेविड बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो उसे फोरहेड पर किस करता है और अपनी गोद में उठाकर कार में बिठा देता है, जिसके बाद वो उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर निकल जाता है। कुछ समय बाद में दोनों शादी कर लेते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।